देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। बिलवाड़ा की कोटड़ी थाना इलाके के नरसिंहपुरा ग्राम में हुए नाबालिग के साथ गैंग रेप और उसके बाद में भट्टी में जला देने के मामले में पुलिस ने 10 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि उस मामले में कान्हा पुत्र रंगलाल उम्र 21 वर्ष जो बालाजी मंदिर के पास तसवारिया थाना शाहपुरा जिले का निवासी है, कालू पुत्र रंगलाल उम्र 25 वर्ष जो बालाजी मंदिर के पास तसवारिया थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का निवासी है, संजय पुत्र प्रभु जिसकी आयु 20 वर्ष है निवासी पालसा थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा और पप्पू पुत्र अमरनाथ उर्फ अमरा उम्र 35 वर्ष निवासी अरवड़ थाना फुलिया कला जिला भीलवाड़ा के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा है कि मवेशी चराने गई बालिका के बुधवार देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीणों से ढूंढते हुए भट्टी तक पहुंचे तो वहां चांदी का कड़ा और उसके जूते मिले। परिजनों ने नाबालिग के साथ हत्या और गैंग रेप की आशंका जताई थी। इस प्रकरण को आयोग ने गंभीरता से लिया और नाबालिग बालिका को भट्टी में जलाए जाने की घोर निंदा की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा आयोग सदस्य की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का गठन कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने के संबंध में कमेटी को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील घटना की पूर्ण जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करवा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत ही आयोग कार्यालय घोषित करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक सिविल राइट्स और जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को पत्र लिखा गया है। सत्यमेव न्यूज़ के लिए भीलवाड़ा से घनश्याम बाकोलिया की विशेष रिपोर्ट। और लेटेस्ट न्यूज़ यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज़ और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे